पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक रहा नालंदा विश्वविद्यालय, एक बार फिर से भारत की चमक दुनिया में बिखेर रहा है। यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर घोषित किया है। एएसआई की एक लंबी जद्दोजहद के बाद दुनिया की पहली आवासीय विश्वविद्यालय को यह तमगा हासिल हुआ है। यूनेस्को के ऐलान के बाद अब न सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय बल्कि आसपास के इलाकों भी वहां भी खासा वहां पर विकास होगा। कभी दुनिया जिसके आगे नतमस्तक थी और आकर्षण ऐसा कि सात समंदर पार से भी लोग यहाँ खींचे चले आते थे। मकसद होता था बस नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए, लेकिन वो कुछ ही लोग होते थे जिन्हें यहाँ पढ़ाई का मौका मिलता था। और अब दुनिया के इस प्राचीनतम उच्च शिक्षा के संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने भी नई पहचान दे दी है। अब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहरों में शामिल कर लिया गया है। नालंदा देश की 33वीं विश्व धरोहर है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को को 400 पेजों की रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें नालंदा की विशालता, महानता और विविधता को बताया गया था। इसके बाद यूनेस्को की टीम ने नालंदा का दौरा भी किया था और अब वो दिन आ गया जब इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जिले के नालंदा विश्वविद्यालय को, जिन्होंने कभी विश्व की संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान का एक नया प्रकाश दिया था और उसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, इससे खुशी की बात और सौभाग्य की बात हमारे जिले वासियों के लिए और नहीं हो सकती है। 7वीं सदी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। चीनी यात्री हेन सांग भी यहाँ एक साल तक छात्र और शिक्षक के रूप में मौजूद रहे और हेन सांग की लिखी किताबों के जरिए ही नालंदा का स्वरूप दुनिया के सामने आया। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार में 10,000 छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और इसके लिए 2,000 शिक्षक होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत ही नहीं बल्कि चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, कोरिया से भी लोग आते थे, लेकिन 12वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के ज्ञान विज्ञान के प्रतीक नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। हालांकि सरकारों की कोशिश से साल 2014 में बिहार के राजगीर में फिर से नालंदा विश्वविद्यालय शुरू हो गया है और अब यहां के छात्र भी नालंदा के अवशेषों को नई पहचान मिलने से खासे खुश हैं। ये हम लोग के गौरवान्वित वाली बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और हम लोग यहाँ के निवासी हैं। ये सबसे बड़ी हम लोग के सौभाग्य की बात है कि आज कई वर्षों के बाद हमारे विश्वविद्यालय को धरोहर में शामिल किया गया। देर से ही सही, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी की प्राचीनता और उसकी ख्याति पर यूनेस्को ने मोहर लगाई है और अब विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद नालंदा के साथ ही आसपास के इलाके को भी खासा फायदा होगा। खंडहर के आसपास के इलाके को खास लुक दिया जाएगा। खंडहर से सटे गांव सूरजपुर और बड़गांव एक रंग में रंगेंगे। इलाकों को विकसित करने के लिए एएसआई बनाएगा साइड मैनेजमेंट प्लान। खंडहर के इलाके को राजगीर मास्टर प्लान में किया जाएगा शामिल। खंडहर के विश्व धरोहर बनने से यहां पर्यटकों की संख्या अब और बढ़ेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी सैकड़ों सालों तक दुनिया में भारत के ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक बनी रही। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हर्षवर्धन, पाल शासक, विदेशी शासकों ने भी विश्वविद्यालय के विकास में योगदान दिया। गुप्त वंश ने यहाँ मठों का भी संरक्षण करवाया। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। 1193 ईस्वी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर जला डाला था। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ 780 साल तक पढ़ाई हुई। यहाँ खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। परिसर के चारों तरफ बड़ी दीवार थी। यहाँ मुख्य इमारत एक ही थी। यहाँ कई मंदिर और छोटे स्तूप भी बने हुए हैं।
हमारे देश को जगत गुरु कहा गया है और नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए यहाँ से ज्ञान का प्रवाह पूरी दुनिया में हुआ। अब ज्ञान के उसी द्वीप को यूनेस्को ने भी नई पहचान दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।